स्वागत है एक बार फिर से आपका लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे। तो सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल? तो जैसा हर हफ्ते होता है, इस हफ्ते भी आ गया हूँ आज के सारे रिलीज होने वाले बढ़िया कंटेंट की लिस्ट लेके। और आज के एक दिन में ही 19 बढ़िया कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसमें से दो के बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, जो इस लिस्ट का पार्ट वन है, जिसमें इस हफ्ते में रिलीज हुए बाकी 17 कंटेंट के बारे में कल वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। और अभी चेक कर लो कि सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलना, ताजो हम एक साथ जल्दी से 50,000 को हिट करें। बाकी कोई भी सवाल हो, हर बार की तरह मैं इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 19 पे है एक हिंदी वेब सीरीज जो कल वाली लिस्ट में छूट गई थी, हिंदी रोमांटिक इमोशनल लव स्टोरी वाली वेब सीरीज आधा इश्क, जो 12 मई को वोट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई है, जिसमें आमना शरीफ एंड गौरव अरोड़ा मेन रोल्स में हैं। और कहानी तो वही, बस पहले हंसी हंसी में लड़की फंसी, लेकिन असल में फंसते तो दोनों हैं एक दूसरे के साथ। अब देखते हैं ये दोनों फंसे हुए एक दूसरे से पीछा छुड़वाते हैं, या फिर ऐसे ही फंसे हुए अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए असली प्यार को निभाते हैं। नंबर 18 पे है नेटफ्लिक्स की एक अलग सी कहानी वाली हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा मूवी सीनियर ईयर, जो 13 मई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और कहानी होने वाली है एक कॉलेज में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की की, जो एक चीयर लीडर है और एक गेम में परफॉर्म करते हुए एक एक्सीडेंट के कारण 20 साल के लिए कोमा में चली जाती है, और उसका चीयर लीडर क्वीन बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अभी 20 साल बाद वो होश में आई है, और अभी 37 साल की बॉडी में उसका 17 साल का दिमाग है। अब एडजस्ट कैसे होता है और क्या वो सपना पूरा कर पाएगी या नहीं। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की ही एक और हिंदी डब लेकिन क्राइम सस्पेंस कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज द लिंकन लॉयर का सीजन 1, जो भी 13 मई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी है एक लॉयर मिकी की, जिसके फ्रेंड एंड लॉयर फर्म के पार्टनर की अचानक से मौत हो जाती है, और अभी मिकी को अकेले ही इस पूरी फर्म को टेक ओवर करते हुए एक बड़े क्रिमिनल केस को लड़ना और जीतना होगा अपनी इस लॉयर फर्म को बचाए रखने के लिए। अब उसका सामना कैसे चैलेंजेस के साथ होता है, इस सीरीज में वही सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 16 पे है बॉलीवुड की रणवीर सिंह के साथ न्यू कॉमेडी ड्रामा मूवी जयेश भाई जोरदार, जो भी 13 मई को ही ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी में एक गुज्जू भाई को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पोता चाहिए होता है, लेकिन घंटी बजाते हुए फिर से एक पोती आ जाती है। तो जयेश भाई अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर से भागने वाला है, बाकी देखते हैं क्या रंग लगाते हैं इस मूवी में। नंबर 15 पे है हमारे लौकी भैया मतलब कि टॉम हिडलस्टन की एक फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज द एसेक्स सरपेंट, जो 13 मई को एप्पल प्लस टीवी पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। और कहानी एक अफवाह से शुरू होती है, जिसमें एसेक्स नाम की जगह पे एक बीस्ट होने की बात उड़ती है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लेडी आती है जो वहाँ कई साइंटिफिक रीजंस ढूंढती है इस अफवाह उड़ने के पीछे, और फिर वहाँ पे लौकी भैया से मिलती है जो पास्टर बने हुए हैं, और उससे मिलने के बाद असली ट्विस्ट भरी कहानी शुरू होगी। नंबर 14 पे है एक नई हिंदी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी द डिसेंट बॉय, जो 13 मई से बुक माई शो पे स्ट्रीम होने वाली है, और कहानी है एक छोटे से शरारती बच्चे की, जो एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है और सारे स्कूल की नाक में दम कर देता है। लेकिन फिर स्कूल पे और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे आती है एक बड़ी मुसीबत, जिससे लड़ने के लिए सबसे आगे यही नोटी बच्चा खड़ा होता है, और जैसे अपनी शरारतों से स्कूल के नाक में दम कर रखा था, वैसे ही अभी पॉलिटिशियंस की नाक में दम करने वाला है। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की एक स्विस इमोशनल इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज द न्यू हाइट्स, जो 13 मई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है, और कहानी एक बिजनेस कंसल्टेंट की है जो एक बड़े शहर में काम कर रहा होता है, लेकिन उसके फादर की मौत हो जाने के कारण उसे अपना काम छोड़ के अपने गांव वाले फार्म को संभालने के लिए जाना पड़ता है, जहां उसे कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक नई जिंदगी का एहसास होता है, जो हमें भी असली जिंदगी जीने का सलीका सिखाएगी। नंबर 12 पे है एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द पाव पेट्रोल, जो अभी 13 मई को ओनली थिएटर्स में एंड ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन जल्दी ही हमें हिंदी डब होके या फिर ओनली इंग्लिश में ही OTT पे भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 11 पे है हिंदी ट्रू क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी द कश्मीर फाइल्स, जो अभी 13 मई को Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। नंबर 10 पे है एक अवार्ड विनिंग लव स्टोरी वाली रोमांटिक मूवी द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो 13 मई को मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। और अब इस मूवी ने कई अवार्ड जीते हैं, तो कुछ खास तो ऐसे दिल के तार छेड़े ही होंगे, जिसकी वजह से कई दिलों में बस गई इस मूवी की कहानी, और एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए इस मूवी को।
नंबर 9 पे है एमी विर्क की फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी सौंकण सौंकणे, जो भी 13 मई को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली पंजाबी बढ़िया मूवी होने वाली है, जहां पे एक साइड बॉलीवुड वाला जयेश भाई होने वाला है, वहीं उसी मैटर के साथ पंजाबी में एमी विर्क भी आ रहा है, जहां पे एक पति दो पत्नियों के बीच में फंसने वाला है। जब शादी के काफी सालों बाद भी उनका बच्चा नहीं हो रहा तो फैमिली वाले और उसकी पत्नी मिलके एमी विर्क की दूसरी शादी उसकी ही साली से करवा देते हैं, तो दोनों बहनें ही एक दूसरी की सौतन बनके एक ही घर में रहने वाली हैं। नंबर 8 पे है Amazon Prime की एक नई एंथोलॉजी वेब सीरीज मॉडर्न लव मुंबई, जो 13 मई को Amazon Prime पर रिलीज होने वाली हिंदी ड्रामा एंथोलॉजी वेब सीरीज है, जिसमें 6 अलग अलग जॉनर और अलग अलग लोगों की कहानियां होने वाली हैं, जिनमें इंडिया के बहुत से दिग्गज एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें अरशद वारसी, स्कैम 1992 वाला प्रतीक गांधी और मिस्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ और भी कई इंडियन बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। और इसकी 6 कहानियों में इंडियन कल्चर के सोशल इश्यूज को मेनली दिखाया जाएगा, जिसमें हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे। नंबर 7 पे है डिज्नी प्लस की एक टीनेज मैजिकल इंस्पिरेशनल ड्रामा सीरीज स्नेकरेला, जो 13 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक यंग लड़के की, जिसको स्नीकर्स डिजाइन करने का शौक होता है, और कब उसका ये शौक उसका एक सपना बन जाता है उसे भी इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन बाकी सबके साथ उसके पेरेंट्स को भी ये बस एक टाइम वेस्ट हॉबी ही लगती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आता है वो एक दिन जो उसके सपनों को पंख लगा देता है। अब कब और कैसे ये सब होता है वही इस सीरीज में दिखाया जाएगा, जो हमारे जैसे यूथ को काफी इंस्पायर करने वाला है। नंबर 6 पे है एक नई पंजाबी इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी उड़ीक, जो 13 मई को PTC प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, और कहानी होने वाली है कुछ बिछड़े हुए लोगों की जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त अलग हो गए थे, और अब उनको उड़ीक है उस बिछड़े हुए परिवार के प्यार की। नंबर 5 पे है होइचोय की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर बढ़िया वेब सीरीज महाभारत मर्डर्स, जो 13 मई को होइचोय के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन जल्द ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहानी एक सीरियल किलर की है जो अपनी जिंदगी को महाभारत के हिसाब से जीना शुरू कर देता है, और उसी सोच के चलते वो अपने आसपास वाले लोगों को महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ जोड़ के मारना शुरू कर देता है। अब हर फ्राइडे को इस सीरीज के 3 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, जिसकी 3 जून को आखिरी इंस्टॉलमेंट रिलीज की जाएगी। नंबर 4 पे है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई बंगाली क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लॉकडाउन, जो अभी 13 मई को Zee5 पे रिलीज होने जा रही है, लेकिन ओनली बंगाली में ही या फिर हिंदी डब में भी रिलीज होगी उसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, जिसमें 6 जिंदगियों की कहानी है जो एक दूसरे के साथ उलझ के फंस जाती हैं। नंबर 3 पे है रितेश देशमुख की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मराठी मूवी अदृश्य, जो 13 मई को ओनली थिएटर्स में ही एंड ओनली मराठी लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी के शुरू में एक लड़की सुसाइड कर लेती है। अब ये सुसाइड है या मर्डर और जो भी है उसके पीछे क्या वजह थी, ये सबको इस कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 2 पे है शिवा कार्तिकायन की एक्शन कॉमेडी मसाला मूवी डॉन, जो 13 मई को ओनली थिएटर्स में एंड ओनली तमिल में ही रिलीज होने वाली मूवी है, जिसकी कहानी में कुछ भी अलग तो नहीं होने वाला, वही पहले कॉमेडी, फिर प्यार और फिर रोने धोने वाला ड्रामा और फिर एंड में एक्शन के बाद हैप्पी एंडिंग। नंबर 1 पे है पंजाबी रोमांटिक इमोशनल लव स्टोरी वाली बढ़िया मूवी लेख, जो 1 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इस मूवी को अभी तक काफ़ी बढ़िया रिव्यूज मिले हैं, और अभी इस संडे मतलब के 15 मई को चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे शाम 6 बजे से रिलीज किया जाएगा, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर गुरनाम भुल्लर की फर्स्ट टाइम बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और उसकी की हुई मेहनत भी इस मूवी में दिखाई देगी, और कहानी भी बढ़िया एक सच्चे और रुलाने वाले प्यार की होने वाली है जो अधूरा रह जाता है, बाकी जो अधूरा रह जाता है वो ही सच्चा प्यार होता है। तो आज की लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलना, ताकि हम एक साथ जल्दी से 50,000 को हिट करें।